What's up everyone? Welcome back to the channel. हम लोग पढ़ रहे थे The Sales of Goods Act का chapter number 3. आज chapter number 3 को खत्म करेंगे. बस फिर बचेगा chapter number 4. वो आपका एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा. उसमें दो क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेंगी. एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे लास्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ. तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और आज यूनिट 3 यानी चैप्टर 3 जो भी बोलना है उसको समाप्त करते हैं. लेट्स बिगिन. तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के बारे में काफी सारी डिस्कशन करी थी. ठीक है, लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था बच्चों वो ये किया था कि भैया अगर गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है तो कब ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है. राइट, अब हमारे पास छुटर पुटर दो टॉपिक्स और हैं. सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न. सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न का क्या मतलब है बच्चों की सीधी सीधी सी बात है कि हमने जो माल बेचा है दिस इज ओनली फॉर कैश, कि आपको सिर्फ पैसा कैश में ही देना है. तो बहुत सीधा सा नियम है, अगर आपके पास गुड्स आ गए हैं, आ भी गए हैं भले ही, जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे इन कैश तब तक टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा. जैसे ही आप कैश पे कर दोगे तभी टाइटल ट्रांसफर होगा. सिंपल. देखो जरा क्या लिखा हुआ है. ए ने डिलीवर करी अपनी ज्वेलरी बी को ऑन सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस. ए ने बी को अपनी ज्वेलरी डिलीवर कर दी कि ठीक है भैया सेल तभी होगी जब तू कैश में पे कर देगा, नहीं तो वापस कर दियो. ओके, इट वॉज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट में कि ज्वेलरी शेल रिमेन ए की प्रॉपर्टी जब तक प्राइस नहीं पे हो रहा. बहुत क्लियर है भाई, बोला गया है जब तक प्राइस पे नहीं हो रहा ए की प्रॉपर्टी रहेगी. बिफोर द पेमेंट ऑफ द प्राइस, अभी उसने पेमेंट नहीं करी, बी ने गिरवी रख दी ज्वेलरी सी के पास. बी प्लेज्ड द ज्वेलरी विद सी. अब बताओ जरा, अभी उसने पैसा नहीं दिया, गिरवी रख दी, क्या उसको अधिकार है ये गिरवी रखने का? भाई वो ऑनर ही नहीं है, उसके पास गुड टाइटल ही नहीं है, तो वो गिरवी कैसे रख सकता है? तो ये प्लेज वैलिड नहीं है. देखो क्या लिखा हुआ है. इट वॉज हेल्ड दैट एट द टाइम ऑफ प्लेज ownership was not transferred to B, thus the pledge was not valid and A could recover the jewelry from C. A C से ज्वेलरी रिकवर कर सकता है. सर रूल क्या है, आ जाओ. Where the goods have been delivered by a person on sale or return on the terms that goods were to be remain the property of the seller till they are paid. जब तक पेमेंट नहीं हो रहा तब तक वो सेलर की ही प्रॉपर्टी रहेंगे. सिंपल सा नियम है. आगे लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू द बायर अंटिल द टर्म्स आर कंप्लाइड, दैट इज द कैश इज पेड. तो जब तक आप कैश पे नहीं कर देते एज अ बायर, आप कैश पेड नहीं करोगे जब तक, तब तक आपके पास ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी. ठीक है, बहुत सिंपल है. चलो अगला क्या है सर. रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल. क्या बात है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है. छोटा सा लेकिन पता होना चाहिए तुम्हें. अच्छा यार कहाँ गया, आ गया. रिजर्वेशन का मतलब आपने गुड्स तो दे दिए लेकिन टाइटल अपने पास रोक लिया. टाइटल अपने पास रोक लिया. सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि मैंने गुड्स भिजवा दिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने चिंटू को माल बेचा, मैंने गुड्स अपने पास से भिजवा दिए, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि मैं ऑनरशिप तब ट्रांसफर करूं जब मेरा पेमेंट हो जाए, है ना, जब मेरा पेमेंट हो जाए मैं तभी ट्रांसफर करूं. तो मैं क्या करूंगा, गुड्स मैंने भेज दिए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, गुड्स मैंने भेज दिए, लेकिन अब मैं ऑनरशिप अपने पास रखना चाहता हूं. तो मेरे पास दो तरीके हैं, मैं किस तरीके से इसको रोक सकता हूं ओनरशिप को अपने पास. एक तरीका तो ये है बच्चों की जो हमारा बिल ऑफ लेडिंग है या जो हमारा बेसिकली शिपमेंट रिसिप्ट है ना. देखो मैं किसी ना किसी कैरियर के थ्रू भेज रहा हूं ना, मैं किसी ना किसी एजेंट के थ्रू भेज रहा हूं ना, मैं किसी ना किसी ड्राइवर के थ्रू सामान भेज रहा हूं ना, है ना. तो मैंने उस ड्राइवर को क्लियरली बोल दिया कि भैया तब तक आप गुड्स मत देना जब तक आपको पेमेंट ना मिले, पहली बात, है ना. या फिर अगर मैंने अपना नाम लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल आरजे लिख देता हूं, अगर मैंने चिंटू को माल बेचा, ठीक है, और मैं ये ट्रेन के थ्रू भेज रहा हूं तो मैं चिंटू को एक कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट दूंगा ना जिसपे लिख के दूंगा कि भैया ये गुड्स चिंटू रिसीव कर लेगा, रेलवे तभी तो देगा चिंटू को गुड्स, है ना. तो मैंने उस डॉक्यूमेंट पे अगर चिंटू का नाम लिख दिया
तो फिर अल्टीमेटली चिंटू गुड्स आसानी से रिसीव कर पाएगा, आसानी से रिसीव कर लेगा। मैं क्या करूंगा, मैं इस डॉक्यूमेंट पे चिंटू का नाम ना लिख के अपने एजेंट का नाम लिख दूंगा, मैं अपने एजेंट का नाम लिख दूंगा, ठीक है। अब चिंटू तो गुड्स रिसीव ही नहीं कर सकता क्योंकि चिंटू का नाम ही नहीं लिखा हुआ वहां पे, वहां पे तो मेरे एजेंट का नाम लिखा हुआ है, और मेरा एजेंट चिंटू को तब माल देगा जब ये पेमेंट कर देगा। तो देखो मैंने गुड्स डिलीवर भी करा दिए और अपने पास ऑनरशिप भी रख ली जब तक मेरा पेमेंट नहीं हो रहा। दूसरा तरीका क्या है कि मैं गुड्स के साथ साथ, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है कि मैं गुड्स के साथ साथ एक बिल ऑफ एक्सचेंज भेज दूं, मैं गुड्स के साथ साथ एक बिल ऑफ एक्सचेंज भेज दूं और बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दूं कि भैया जैसे ही आप बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर दोगे तो आपको गुड्स मिल जाएंगे, अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज साइन नहीं करोगे तो गुड्स आपको नहीं दिए जाएंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज सीधा सीधा यार आपको पता है एक लीगल डॉक्यूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ के आए, उस पर पेमेंट मिलना ही मिलना है, सही है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस सेक्शन प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब रोकना, द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, कि आपको गुड्स डिस्पोज नहीं होंगे, टू सिक्योर दैट प्राइस इज पेड, आपको गुड्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप पेमेंट नहीं कर रहे, बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द बायर, है ना। देखो लिखा हुआ है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और वेयर गुड्स हैव बीन सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, द सेलर मे बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज द केस मे बी रिजर्व द राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स, वो रिजर्व कर सकता है राइट, रिजर्व द राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स अंटिल सर्टेन कंडीशंस हैव बीन फुलफिल्ड, इन सच अ केस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट गुड्स हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड और अ कैरियर, देखो या तो गुड्स डिलीवर हो गए हैं किसको, बायर को या कैरियर को, कैरियर का मतलब जो मेरा सामान लेके आ रहा है भाई, शिप लेके आ रहा है, रेलवे लेके आ रहा है, कोई फ्लाइट से आ रहा है ना, और अदर बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिटिंग द सेम टू द बायर, द प्रॉपर्टी विल नॉट पास, प्रॉपर्टी पास नहीं होगी बायर को जब तक कंडीशंस जो है वो पूरी नहीं हो जाती। अब कंडीशंस बच्चों क्या क्या लगा सकता है, कंडीशंस आपके सामने है, मैंने आपको बताई दी, या तो एजेंट के नाम पे डॉक्यूमेंट दे देगा या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज भेज देगा साथ में, है ना। देखो एग्जाम्पल, एक्स ने फर्नीचर भेजा टू अ कंपनी बाय अ ट्रक और इंस्ट्रक्ट कर दिया ड्राइवर को नॉट टू डिलीवर द फर्नीचर, तब तक डिलीवर नहीं करना until the payment is made by the company, जब तक पेमेंट नहीं हो रही, the property passes only when the payment is made, perfect sir। आगे क्या आ रहा है, circumstances under which the right to disposal may be reserved, कैसे आप reserve कर सकते हो, देखो सीधी सीधी सी बात है, दो दो मैंने आपको circumstances बताए, दोनों लिखे हुए हैं। सबसे पहला, if the goods are shipped or delivered to a railway administration for carriage and buy the bill of lading or railway receipt as the case may be, the goods are delivered to the order of the seller or his agent, dekho goods deliver honge order of the seller ko, seller jisko bolega usko deliver honge, maine us bill of lading pe ya maine us railway receipt pe naam apne agent ka likha na, to main jisko order karunga usko deliver honge, hai na, ya mere agent ko deliver honge, then the seller will be prima facie deemed to have reserved the right of disposal, iska matlab seller ne अपने पास अभी पावर रखी है कि मैं गुड्स तभी आपको दूंगा जब मेरा पैसा मिल जाएगा, मैं पहले भरोसा नहीं करता भैया, आप गुड्स ले जाओ, पैसे ना दो मैं कार ढूंढूंगा आपको, है ना। दूसरा कंडीशन क्या है या दूसरा तरीका क्या है, जब सेलर एक बिल लिख देता है बायर के ऊपर फॉर द प्राइस एंड सेंड टू हिम द बिल ऑफ एक्सचेंज टूगेदर विद द बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज भी उसको भेज दिया कि भैया बिल साइन करके दो और गुड्स ले जाओ, the railway receipt to secure acceptance or payment thereof, the buyer must return the bill of lading if he does not accept or pay the bill, सीधी सीधी सी बात है, सही है जी, done sir, done 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 done, ये तो clear हो गया। अब हमारे पास बच्चों अगला टॉपिक आ रहा है जो चैप्टर के शुरू से पढ़ा रहा हूं मैं, कि भैया रिस्क किसका, सामान अगर डैमेज हो जाते हैं तो रिस्क किसका। तो पहले दिन से मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, जब से चैप्टर शुरू करा है, जब से यूनिट शुरू करा है, रिस्क फॉलो ऑनरशिप, रिस्क किसको फॉलो करता है, ऑनरशिप को फॉलो करता है, भैया जो ऑनर है उसका रिस्क है, जब तक ऑनरशिप सेलर के पास है तब तक गुड्स को कोई भी लॉस होगा, कोई भी डैमेज होगा, कोई चोरी होगी, आग लगेगी, वो रिस्क सेलर का है, जैसे ही ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई बायर को तो सारा का सारा रिस्क बायर का हो जाएगा। ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, कैसी ट्रांसफर होती है, सब हम पढ़ चुके हैं, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, रिस्क
प्राइम ऑफ एसआई पासेस विद द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, रिस्क पास ऑन हो जाता है ओनरशिप के साथ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26, ये सेक्शन 26 क्या बोलता है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, यानी आप एग्री कर सकते हो, ये इसका एक्सेप्शन है, ये इसका एक्सेप्शन है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई लेकिन तब भी रिस्क सेलर का ही है, ये हो सकता है अगर आप एग्री कर लो, कुछ कंडीशन में लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द बायर, जब तक ओनरशिप बायर को नहीं जा रही रिस्क सेलर का है, बट वेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द बायर, जैसे ही बायर को ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, द गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क, गुड्स बायर के रिस्क पे है चाहे डिलीवरी हुआ है या नहीं। इसका मतलब रिस्क जो है सीधा सीधा किससे जुड़ा है, ऑनरशिप से जुड़ा है, डिलीवरी से इसको कोई भी मतलब नहीं है। गुड्स डिलीवर हुए हैं या नहीं हुए हैं इसको कोई मतलब नहीं है। ओनरशिप इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांस, इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांस ओनरशिप के साथ रिस्क जुड़ा है, ठीक है। अनलेस अदरवाइज एग्री लिखा हुआ है, तुम कुछ और एग्री करना चाहते हो कर लो भैया, कॉन्ट्रैक्ट कर लो आपस में। तो लॉ तो हमेशा ये बोलता है कि तुम आपस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो मान्य है, नहीं करते तो फिर जो यहाँ लिखा हुआ है वो चीज, ठीक है। हाउएवर सेक्शन 26 ऑल्सो ले डाउन एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट रिस्क फॉलो ओनरशिप, बोल रहा है इसका एक एक्सेप्शन भी है। हम नॉर्मली तो बोल रहे हैं कि रिस्क ऑनरशिप के साथ जुड़ा है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है? एक तो ये है कुछ और तुमने एग्री कर लिया, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों कि डिफॉल्ट हो रहा है। सर किस चीज का डिफॉल्ट हो रहा है? ट्रांसफर में डिफॉल्ट हो रहा है। सर कैसे? देखो लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड दैट वेयर डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन डिलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ इधर बायर और सेलर। जो गुड्स डिलीवर कराने हैं ना, जो गुड्स डिलीवरी करानी है, वो या तो बायर नहीं होने दे रहा या सेलर नहीं होने दे रहा, यानी दोनों कुछ ना कुछ डिफॉल्ट कर रहे हैं, या बायर नहीं होने दे रहा या फिर सेलर नहीं होने दे रहा, कुछ ना कुछ डिफॉल्ट हो रहा है। द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट एज रिगार्ड एनी लॉस विच माइट नॉट हैव अकर्ड बट फॉर सच फॉल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर डिलीवरी में डिले हो रहा है और वो किसी ना किसी बायर या सेलर की वजह से हो रहा है, किसी ना किसी बायर या सेलर की वजह से हो रहा है, तो उस सिनेरियो में बच्चों जिसकी वजह से डिफॉल्ट हो रहा है उसका वो रिस्क रहने वाला है, उसका वो अल्टीमेटली उसी को वो सब उसके डैमेजेस वगैरह झेलने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, ये इसका एक्सेप्शन है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चिंटू है, ठीक है। अब चिंटू ने चिंटी को चाय पे बुलाया हुआ है, और ये बोला कि चिंटी शाम को 7 बजे आ जाइयो मेरे घर, ठीक है, शाम को 7 बजे मेरे घर आ जाइयो। अब चिंटू की दुकान के नीचे एक बेकरी है, इसने बेकरी वाले भैया को बोला कि मुझे एक शानदार सुंदर सा केक चाहिए, 7 बजे आप रेडी करा के रख देना, ठीक है, मैं आपके पास से केक ले जाऊंगा। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 7 बजे मैं आपके पास से ले जाऊंगा। बेकरी वाले भैया ने बोला ओके, मैं आपके लिए एक शानदार सा केक, उसके ऊपर चिंटी का नाम लिखवा दिया, और भी चिंटू के दिल के कुछ अरमान थे वो सब लिखवा दिए उसने उसके ऊपर। अब देखो वो केक बेकरी वाला भी कहीं और नहीं बेच सकता, ये तो नुकसान हो रहा है, अगर चिंटू लेने नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया बच्चों, राइट, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डीलिंग हो गई, 7 बज गए, बेकरी वाले ने चिंटू को फोन करा कि भाई आके अपना केक ले जाओ, केक रेडी है, जो जो आपने कहा था मैंने सब लिख दिया, अल्टीमेटली मैंने इस पे सब लिख दिया। अब चिंटी जो है 7 बजे उसका प्लान कैंसिल हो गया, वो आई नहीं, तो चिंटू सोच रहा है कि भैया अब क्या करूं मैं, इस केक का क्या किया जाए। 7:30 बजे फिर फोन आया भैया का, चिंटू कह रहा हाँ भैया रखो मैं आ रहा हूँ अभी। 8 बजे फिर आया, हाँ भैया मैं रख रहा हूँ, आ रहा हूँ। 9 बजे फिर फोन आया, 10 बजे फिर फोन आया, 10:30 बजे चिंटू अपना फोन स्विच ऑफ करके सो गया, और 2 दिन तक उसने फोन ही नहीं उठाया बेकरी वाले भैया का। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे चिंटू बोल रहा है भाई मेरे पास तो गुड्स आए ही नहीं, आपके पास है, आप ही के पोजेशन में है, आप ही ओनर हो, आप ही लॉस झेलो। तो ये बोल रहा है ना ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स दैट वेयर डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन डिलेड, डिले हो रही है किसकी फॉल्ट की वजह से, चाहे वो बायर की वजह से हो चाहे वो सेलर की वजह से हो। द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट,
जो फॉल्ट कर रहा है, जो यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, जिसकी वजह से डिलीवरी डिले हो रही है, वो झेलेगा सब कुछ। तो यहाँ पे जो बेकरी वाले भैया है वो चिंटू को बोलेंगे, भाई साहब मेरे केक के पैसे आपको भरने पड़ेंगे, आपकी वजह से सारी चीजें हुई हैं। समझे बेटा? सही है जी, चलो जी, क्लियर है जी। देखो लिखा हुआ है, रिस्क प्राइमा फेसाई पासेस विद ऑनरशिप। सेलर का रिस्क जब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होती बायर को, और बायर का रिस्क जैसे ही उसको प्रॉपर्टी पास हो जाती है। ये देखो, ये मेन चीज है, ठीक है, ओके। बट अगर डिलीवरी में डिले हो रहा है तो जिसकी वजह से डिले हो रहा है वो झेलेगा, ठीक है। या फिर आपने अगर कुछ और एग्री करा है तो फिर वो चलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, अ बिड फॉर एन एंटीक पेंटिंग, बिड का मतलब बोली लगना, फॉर एन एंटीक पेंटिंग एट अ सेल बाय ऑक्शन। After the bid, when the auctioneer struck his hammer to signify acceptance of the bid, he hit the antique, which gets damaged. Oh, जी. Auctioneer जो होता है, auctioneer वो बोलता है ना हथौड़ी, 10,000 रुपए चिंटू एक, 10,000 रुपए चिंटू दो, इतने कोई और बोली लगाता है, तो किसी ने नहीं लगाई, 10,000 चिंटू तीन जैसे ही कर रहा था, वो पेंटिंग पे ही हैमर मार और वही डैमेज हो गई, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, द लॉस विल हैव टू बी बॉर्न बाय द सेलर बिकॉज द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज नॉट येट पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। ये जो लॉस है सेलर को ही झेलना पड़ेगा क्योंकि अभी तक टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है। क्या ही एग्जांपल बनाते हैं ओ बाबा। चलो जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अफोरसेड रूल इज हाउएवर सब्जेक्ट टू टू क्वालिफिकेशंस। टू क्वालिफिकेशंस मैं आपको बता चुका हूँ, अगर डिलीवरी डिले हुई है सेलर या बायर से तो जो पार्टी डिफॉल्ट कर रही है वो झेलेगी, एंड द ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द सेलर ऑफ द बायर एज बेली ऑफ द गुड्स फॉर द अदर पार्टी रिमेन अनअफेक्टेड इवन वेन द रिस्क हैज पास्ड जनरली। बेसिक बेसिक चीजें हैं बच्चों, नॉर्मल सी जो चीजें ऊपर बताई वही यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल एक बार रीड करके देख लेना। चलो अब आ रहा है हमारे पास सर सेक्शन 27 से 30, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय द नोन ऑनर्स। सर ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय द नोन ऑनर का क्या मतलब है? नोन ऑनर का मतलब है कि भैया मैं किसी गुड का मालिक नहीं हूं, बट क्या मैं फिर भी टाइटल ट्रांसफर कर सकता हूं, क्या मैं फिर भी ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकता हूं? जैसे मैं अपनी दोस्त की बाइक लेके आया 2 दिन के लिए घूमने के लिए और मैंने उसकी बाइक बेच दी, तो क्या मैं बेच सकता हूं? जनरली ऐसा नहीं होता, जनरल रूल बोलता है दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर मेरी कोई चीज नहीं है तो मैं उसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता उसका टाइटल, मैं खुद ही ओनर नहीं हूं। नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ हैज नॉट गॉट, सीधी सी बात है, जो चीज मेरी नहीं है, जो चीज मेरे पास ही नहीं है, मैं आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता बच्चों। तो बहुत ज्यादा पॉपुलर लेटिन का एक कोट है इसके अंदर जो आपको याद करना है। सर क्या है वो कोट? नेमो दैट कॉड नॉन हैबिट, ये है, नेमो दैट कॉड नॉन हैबिट, नेमो दैट कॉड नॉन हैबिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नो वन कैन गिव, कोई भी नहीं दे सकता कुछ ऐसा जो उसके पास खुद ही नहीं है। यानी आपके पास जिस चीज की ओनरशिप है, आप जिस चीज के मालिक हो, आप वही तो आगे ट्रांसफर कर सकते हो ना। अगर आप खुद ही मालिक नहीं हो तो आप कैसे ट्रांसफर करोगे? कर ही नहीं सकते। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। देखो लिखा हुआ है, इन जनरल द सेलर कैन सेल ओनली सच गुड्स जिसका वो खुद ही ओनर है, बट समटाइम्स अ पर्सन में सेल गुड्स ऑफ विच ही इज नॉट द ओनर। बोल रहा है कभी कभी आप ऐसे गुड्स भी बेच सकते हो जिनके आप खुद ही ओनर नहीं हो। यानी इस रूल के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। देन द क्वेश्चन अराइज एट टू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बायर हु हैज बॉट द गुड्स बाय पेइंग प्राइस। तो बोल रहा है अगर मैं एक नॉन ओनर हूं, मैं खुद ओनर नहीं हूं, और बायर ने गुड फेथ में सामान खरीदा है, वो तो मुझे ही मालिक समझ रहा है, तो उस बायर की क्या पोजीशन है? क्या उसको अच्छा गुड टाइटल मिलेगा, या जब एक्चुअल ओनर आ जाएगा तो वो वापस ले जाएगा अपने गुड्स? तो वो हमें आगे पढ़ना है। जनरल रूल क्या बोलता है? जनरल रूल ये बोलता है कि एक सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू द बायर फॉर गुड्स देन ही हिमसेल्फ हैज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरल रूल याद रखना। जनरल रूल ये है, बाकी सब मिटा देता हूं।
जनरल रूल क्या है? जनरल रूल बोल रहा है कि जितना आपके पास टाइटल है ना, आप उतना ही ट्रांसफर कर सकते हो, उससे बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू द बायर फॉर गुड्स देन ही हिमसेल्फ हैज। इफ द सेलर इज नॉट द ऑनर ऑफ द गुड्स then the buyer also will not become the owner. That is, the title of the buyer shall be the same as that of the seller. Seller का ही title defective है, फिर buyer का भी defective ही होगा। क्यों? क्योंकि nemo that quod non habet क्या बोलता है? No one can give what he himself has not got. मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मेरे पास कोई चीज़ का मालिकाना अधिकार नहीं है, मेरे पास किसी चीज़ की ownership नहीं है, तो मैं ownership transfer कर ही नहीं सकता। ठीक है, बट सर क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं? आ जाओ, पहले एग्जांपल देख लो। लिखा हुआ है, इफ ए सेल सम स्टॉलन गुड्स टू बी। ए ने माल चोरी करा और बी को बेच दिया। देखो, चोरी का माल है, ए खुद मालिक नहीं है, तो बी ने जो गुड्स खरीदे उसकी ओनरशिप उसको ट्रांसफर नहीं होगी। बेटा जनरल रूल ये बोलता है। क्या लिखा हुआ है? Who buys them in good faith, B will get no title to that. B को कोई टाइटल नहीं मिलेगा, एंड ट्रू ओनर हैज द राइट, जो उसका एक्चुअल ओनर है उसके पास अधिकार है कि वो अपने गुड्स वापस ले सकता है बी से। सर बी का क्या होगा फिर? बी बच्चों डैमेजेस क्लेम कर लेगा ए से, इससे डैमेजेस क्लेम करेगा कि भाई तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ, चल पैसा भर। ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? वही वाला, मेरा वाला एग्जांपल। पी द हायरर ऑफ द व्हीकल अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट सेल्स द व्हीकल टू क्यू। पी ने, जिसने किस्तों पे कोई व्हीकल लिया हुआ है हायर परचेज पे, अब मैंने आपको बताया था कि जब तक आखिरी किस्त नहीं बनता वो ऑनर नहीं बनता। उसने आखिरी किस्त अभी तक भरी नहीं है, पहले ही उसने वो व्हीकल क्यू को आगे दे दिया, वो खुद मालिक नहीं है भाई। क्या लिखा है? क्यू दो अ बोनाफाइड परचेजर डज नॉट एक्वायर द ऑनरशिप इन द व्हीकल। क्यू को ऑनरशिप नहीं मिलेगी, एट द मोस्ट ही एक्वायर द सेम राइट एज दैट ऑफ द हायरर। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो आगे लिखा हुआ है, अगर रूल ऐसे ही रिजिडली लगा देंगे, हम बोल रहा है अगर हम ये रूल रिजिडली लगा देंगे यानी एज इट इज सख्ती के साथ लगा देंगे, तो फिर बेचारे ईमानदार बायर का तो घाटा हो जाएगा। देन द इनोसेंट बायर मे बी पुट टू लॉस इन मेनी केसेस। हो सकता है बाद में ये जो ए है ये डैमेजेस भरे ही ना, या यहाँ पे पी मुकर जाए अपनी बात से, पी कुछ भी भरने को तैयार ही ना हो डैमेजेस वगैरह, तो इनोसेंट बायर तो मारा गया बेचारा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, देयरफॉर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इनोसेंट बायर अ नंबर ऑफ एक्सेप्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड। इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। क्या एक्सेप्शंस दिए गए हैं बच्चों? एक्सेप्शंस में ये लिखा है कि एक नॉन ऑनर भी टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। तो सर कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं वो? सबसे पहला, अगर सेल हमारे बिजनेस एजेंट ने करी है, मर्केंटाइल एजेंट ने करी है, तो बच्चों अगर मेरे पास कोई गुड्स हैं और मैंने अपने एजेंट को ऑथोराइज किया है कि आप ये गुड्स बेच सकते हो, तो मेरे एजेंट के पास भी एक गुड टाइटल है और वो आगे चिंटू को, चिंटी को, बंटी को, किसी को बेचना चाहे बेच सकता है, आगे फर्दर गुड टाइटल ट्रांसफर होगा। तो पहला एक्सेप्शन क्या है? अगर मर्केंटाइल एजेंट ने बेचा है। देखो क्या लिखा है, अ सेल मेड बाय अ मर्केंटाइल एजेंट ऑफ द गुड्स फॉर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वुड पास अ गुड टाइटल टू द बायर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। क्या क्या सर्कमस्टांसेस है? नंबर वन, सबसे पहले तो एजेंट के पोजेशन में होने चाहिए गुड्स। क्या लिखा हुआ है? इफ ही वॉज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। ओनर ने अपनी इच्छा से गुड्स एजेंट के पास रखे हुए हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। इफ द सेल वॉज मेड बाय हिम व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एक जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने ये सेल करी हो, यानी नॉर्मली बिजनेस की टर्म्स में ही ये सेल करी हो। इफ द बायर हैड एक्टेड इन गुड फेथ, बायर ने अपना ओरिजिनली गुड फेथ में सामान खरीदा है, and has at the time of the contract of sale no notice of the fact that seller had no authority to sell, और उसको ये भी पता नहीं था ऐसा कुछ भी कि भैया इसको authority ही नहीं है बेचने की, यानी वो basically good faith में खरीद रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये agent ही owner है, यही सामान बेचता है, उसको actual owner के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो buyer को good title transfer होगा बच्चों, भले ही non owner ने ये goods बेचे हों। ठीक है, तो सबसे पहला ध्यान रखना है non owner कौन है जो माल बेच सकता है और अच्छा टाइटल ट्रांसफर होगा। नंबर वन इज द मर्केंटाइल एजेंट। ठीक है, मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है ये मैं आपको पता है, कई बार हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। जॉइंट ओनर भी एक अच्छा केस है, बड़ा आसान सा है। एज्यूम कर लेते हैं बच्चों वन ऑफ द जॉइंट ओनर में कि एक चिंटू और एक चिंटी ने बिजनेस चालू करा हुआ है,
ठीक है, और दोनों मिलजुल के धंधा करते हैं, दोनों मिलजुल के बिजनेस करते हैं, सब कुछ मिलजुल के करते हैं, लेकिन चिंटू मोस्टली टूर्स पे रहता है, चिंटू का काम मोस्टली सामान खरीदने का है, वो दुकान पे आके कम ही बैठता है। ऑल्दो गुड्स के ऑनर दोनों हैं, अगर 1 लाख का माल है तो दोनों ही मालिक हैं बराबर बराबर के, राइट। तो ज्यादातर दुकान पे चिंटी बैठती है, चिंटू ज्यादातर टूर्स ट्रेवल्स में रहता है, तो है तो दोनों ज्वाइंट ऑनर। एक बंटी आया, बंटी ने आके चिंटी से सामान खरीद लिया सीधा, क्योंकि बंटी को तो यही पता है कि भैया चिंटी ही मालिक है। ऑल्दो ज्वाइंट ऑनर है, दोनों मिले जुले ऑनर है, चिंटी अकेली ऑनर नहीं है, ये भी एक नॉन ऑनर का केस है, 100% ऑनर नहीं है वो, लेकिन अगर चिंटी ने कोई गुड्स बेचे हैं बींग अ ज्वाइंट ऑनर, तो बंटी को एक गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इन इफ वन ऑफ द सेवरल ज्वाइंट ऑनर्स ऑफ गुड्स हैज द सोल पोजेशन ऑफ द गुड्स, क्योंकि चिंटी के पास ही पड़े थे, बाय द परमिशन ऑफ द को ओनर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन हु बाइज देम फॉर सच ज्वाइंट ऑनर इन गुड फेथ, उसने तो गुड फेथ में खरीदा है, एंड हैज नॉट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोटिस दैट सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल, उसको पता भी नहीं था कि चिंटी को अकेले बेचने का अधिकार है भी या नहीं है। तो बच्चों नॉन ऑनर के केस में ट्रांसफर कब होगा टाइटल, अगर मर्केंटाइल एजेंट ने बेचा हो या फिर हमारे पास ये ज्वाइंट ऑनर ने बेचा हो, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जल्दी से आप एक बार रीड कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो भाई हो गया, रीडिंग करने का समय मिल गया, आगे चलें। डन सर। तीसरा क्या है बच्चों, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, एक ऐसा पर्सन जिसके पास गुड्स हैं और वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हैं। वॉइडेबल का मतलब बच्चों कि कॉन्ट्रैक्ट अभी वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है, वॉइडेबल है ना, वॉइडेबल। अभी वैसे हम इस टर्म को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वॉइडेबल का मतलब होता है कि इसके दोनों चीज़ें बन सकती हैं, ये वैलिड भी हो सकता है, ये वॉइड भी हो सकता है, यानी कैंसिल भी हो सकता है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि अभी तक वॉइडेबल था ना, तो जो गुड्स उसके पास हैं ना तो अभी तक वैलिड हुए थे ना ही वो वॉइड हुए थे, यानी कि उसके पास जो गुड्स थे वो अभी तक सही थे बिल्कुल, उसने कहीं से खरीदे होंगे या उसने अपने पास लेके आया होगा, तो पोजेशन तो उसी के पास है ना, लेकिन वो जो गुड्स लेके आया था वो अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट लेके आया था, ठीक है, यानी कि ये चीज हो सकता है कोई कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो कि ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही मैं ऑनरशिप ट्रांसफर करूंगा आपको, अदरवाइज ये गुड्स आपको वापस देने पड़ेंगे, ऐसा हो सकता है, कई बार कंडीशन सामने आ जाती है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अभी ना वैलिड हुआ ना वॉइड हुआ, यानी कैंसिल भी नहीं हुआ, पहले ही उसने उसको बेच दिया फर्दर, तो फिर उस केस में भी एक गुड फेथ में जिस बायर ने सामान खरीदा है उसको टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ, देखो, X fraudently obtain a diamond ring from Y. X ने fraudently, fraud के through, एक diamond ring ले ली Y से. This contract is voidable at the option of Y. अब Y के हाथ में है. Y अगर चाहे तो इस fraud को fraud बोल के इसको void कर सकता है, यानी cancel कर सकता है, repudiate कर सकता है, खत्म कर सकता है, या फिर अगर वो चाहे तो इसको चलने भी दे सकता है कि चल ठीक है यार, उसने भले ही फ्रॉड में करा, मेरी रिंग तो बिक गई, मुझे 5 करोड़ की बिकनी थी, इतने 2 करोड़ में खरीदी, चल भाई बिक गई, तो इसके हाथ में है अभी, वाई के हाथ में है, ठीक है। तो एक्स ने वाई से फ्रॉड में कोई रिंग खरीदी, रिंग है ना, डायमंड रिंग, यस, अभी तक वाई के हाथ में है कि वो उसको वैलिड मान सकता है, वॉइड मान सकता है, राइट। बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी टर्मिनेटेड, अभी तक कोई टर्मिनेशन नहीं हुआ था, एक्स ने बेच दी रिंग जेड को, इसने पहले ही ये रिंग जेड को बेच दी, एन इनोसेंट परचेजर, तो जेड को एक अच्छा टाइटल मिलेगा और वाई कैन नॉट रिकवर द रिंग फ्रॉम जेड इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सिक्वेंटली सेट असाइड, तो बाद में वो रिकवर नहीं कर सकता, ठीक है। क्या लिखा है, अ बायर वुड एक्वायर अ गुड टाइटल टू द गुड सोल्ड टू हिम बाय अ सेलर हु हैड ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉर्जन। कॉर्जन का मतलब होता है बच्चों किसी से जोर जबरदस्ती से कोई चीज ली गई है, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, उसको गलत प्रेजेंट करके, और अनड्यू इन्फ्लुएंस, कई बार अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई चीज करी जाती है, आप किसी इंसान को बहुत मानते हो, उसके इन्फ्लुएंस में आके आपको कोई चीज करनी पड़ी, आपका मन नहीं था लेकिन आपने उसके इन्फ्लुएंस में आके कर दिया, तो ये वॉइडेबल होता है, आपकी इच्छा है, आप बाद में चाहो तो उसको वॉइड कर सकते हो, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकते हो, रेपिटेट कर सकते हो, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। मेन चीज यहाँ पे ये दिमाग में रखना कि अगर कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कोई सामान ऐसा था
और कॉन्ट्रैक्ट अभी तक वॉइड नहीं हुआ था, तो उससे वॉइड होने से पहले ही आपने अगर सेल कर दिया, तो जो बायर है, जो बोनाफाइड बायर है, जो ओरिजिनल बायर है, जेन्युइन बायर है, जिसने गुड फेथ में सामान खरीदा है, उसको गुड टाइटल ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है जी, चलो उसके बाद क्या दिया हुआ है, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कॉन्टिन्यू इन द पोजेशन देयर ऑफ। ये बच्चों रीसेल की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, रीसेल की। सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कॉन्टिन्यू इन पोजेशन देयर ऑफ। इसका मतलब चिंटू ने चिंटी को कुछ माल बेचा, चिंटू ने चिंटी को कुछ माल बेचा और इसने ऐसा बोला, ठीक है चिंटी हमारा लेन देन हो गया, अब मैं आपको कल गुड्स भिजवा दूंगा। चिंटी ने बोला ठीक है आप मुझे कल गुड्स भिजवा देना। अब देखो बच्चों सब कुछ अच्छे से हो रहा है, इन दोनों के बीच में डीलिंग हुई, चिंटी ने पैसे दे दिए, हिसाब किताब हो गया, बस डिलीवरी करानी थी कल, पेमेंट तो हो गया राइट, तो ऑनरशिप तो चिंटी की बन जाती है ना। लेकिन कल जब ये गुड्स भेजने वाला था चिंटी को, उससे पहले ही इसको बंटी मिल गया और बंटी ने बोला मुझे ये सामान चाहिए, और चिंटी को इसने लेट सपोज 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचा था, बंटी ने बोला मैं आपको 12 रुपए पर केजी दूंगा, 12 रुपए पर केजी दूंगा, तो आप ये मुझे दे दो। इसने कहा अरे वाह प्रॉफिट हो रहा है, इसने उठा के बंटी को बेच दिया ये माल। अब मुझे बताओ बंटी को तो पता ही नहीं था कि ये माल ऑलरेडी बिका हुआ है, बंटी ने तो गुड फेथ में खरीदा था, क्योंकि बंटी के हिसाब से वो चिंटू ही ऑनर है, उसको थोड़ी पता है वो ऑलरेडी उसको बेच चुका है, तो बंटी को यहाँ पे गुड टाइटल मिलेगा बच्चों, और चिंटी बाद में इसे पकड़ के इससे डैमेजेस क्लेम कर सकती है कि भैया पैसे वापस करो, डैमेजेस दो मुझे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ पर्सन हैज सोल्ड गुड्स बट कंटिन्यू टू बी इन पोजेशन ऑफ देम, माल बेच दिया लेकिन अभी उसी के पास थे, उसी के पोजेशन में थे, और ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू देम, ही मे सेल देम टू अ थर्ड पर्सन एंड इफ सच पर्सन ऑब्टेन द डिलीवरी इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल, उसको कुछ भी नहीं पता था, He would have good title to them. उसको अच्छा टाइटल मिल जाएगा, although the property in the goods has passed to the first buyer earlier. जबकि चिंटी को वो प्रॉपर्टी पास हो चुकी थी। A pledge or other disposition of the goods or documents of title by the seller in possession are equally valid. यहाँ पे valid है। सर चिंटी बेचारी बाद में भाई damages claim करेगी, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो next आ रहा है, sale by buyer obtaining possession before the property in the goods has vested in him. यहाँ पे सेल कौन कर रहा है, बायर कर रहा है, एक बायर माल बेच रहा है, obtaining possession before the property in the goods has vested in him, यानी अभी ownership transfer नहीं, उसने पहले ही बेच दी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि चिंटू ने चिंटी के साथ कुछ goods की dealing करी। ठीक है, contract हो गया, चिंटी ने बोला आप गुड्स भिजवा दो, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। दोनों का पुराना हिसाब किताब चलता था, पुरानी दोस्ती यारी है दोनों की, तुम जानते ही हो कई सालों से दोस्ती यारी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, भरोसा था चिंटू को कि पैसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चिंटू ने क्या करा, गुड्स भिजवा दिए, चिंटी को गुड्स भिजवा दिए। अब अल्टीमेटली चिंटी ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, तो ऑनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन पोजेशन आ गया इस बायर के पास। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन, पोजेशन आ गया बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड, अभी उसके पास प्रॉपर्टी नहीं आई है, ओनरशिप नहीं आई है, और इसने क्या करा, इन गुड्स को आगे बेच दिया बंटी को, बंटी को आगे बेच दिया पहले ही, जबकि वो खुद मालिक नहीं थी अभी तक, अभी तक, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए तो मालिक कहां से हो जाएगी भैया, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा तभी होगा ना जब पेमेंट हो जाएगा, कंसिडरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे हम राइट। तो यहाँ पे इस केस में बंटी ने तो गुड फेथ में खरीदे हैं, बंटी को तो लग रहा है चिंटी मालिक है, चिंटी के पास पड़े हैं गुड्स, तो इसी के होंगे, तो उसको ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, जबकि चिंटी एक नॉन ऑनर है। क्या लिखा है, वेयर अ बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ द गुड्स बिफोर द प्रॉपर्टी इन देम हैज पास्ड टू हिम, ही मे सेल, चिंटी इन गुड्स को बेच सकती है, गिरवी रख सकती है, डिस्पोज कर सकती है किसी थर्ड पर्सन को, एंड इफ सच पर्सन ऑब्टेन डिलीवरी इन गुड फेथ, उसने गुड फेथ में लिए और उसको कुछ नहीं पता कि भैया किसके पास माल रखने का अधिकार था, लियन, राइट ऑफ लियन, इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, राइट ऑफ लियन को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, गुड्स रखने का अधिकार था एंड अदर राइट्स ऑफ द ओरिजिनल सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स, ही वुड गेट अ गुड टाइटल, बेसिकली उसको भी एक गुड टाइटल मिल जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मर्केंटाइल एजेंट हो गया, ठीक है, को ऑनर्स हो गए, को ऑनर्स के साथ साथ हमारे पास सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड, ऑलरेडी यानी रीसेल के केस में भी,
अभी आपके पास पोजेशन है, आपके पास ऑनरशिप नहीं है, तब भी आपने अगर माल बेच दिया तो भी काम हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक केस हमने ये वाला पढ़ा था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला। ठीक है जी, 5 हो गए और आ जाओ जी, इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये आपको एक बार रीड कर लेने हैं, कुछ इसके अंदर और खास नहीं है। ओके, आगे क्या है, नंबर 6, इफेक्ट ऑफ एस्टोपेल। सर ये एस्टोपेल भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, ये भी कहीं ना कहीं आता रहता है। हाँ बिल्कुल, एस्टोपेल का मतलब वही है कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा दिखाया कि मैं इन गुड का मालिक हूँ, जबकि मैं एक्चुअली नहीं हूँ। ठीक है, चिंटू मैनेजर है मेरा, मेरा मैनेजर है चिंटू। ठीक है, चिंटू मेरा मैनेजर है। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था किसके साथ, चिंटी के साथ। इस कॉन्ट्रैक्ट में सारी की सारी डीलिंग चिंटू कर रहा है, सारी की सारी डीलिंग चिंटू कर रहा है, सही है। और चिंटू खुद को प्रेजेंट कर रहा है एज द ओनर। चिंटू बोल रहा है कि हाँ मैं ही ओनर हूँ, सारा का सारा सामान मेरा ही तो है, मैं ही तो बेचता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। और ये सामान चिंटी इस इंप्रेशन में आके इससे खरीद भी लेती है, राइट। अब चिंटू ओनर तो नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने खुद को प्रेजेंट करा और मैंने वहां पे साइलेंस रखी, मैं बोलता ना चिंटी को कि देखो ये सिर्फ मेरा मैनेजर है, सामान मैं बेचूंगा, मैं ओरिजिनल इसका सेलर हूँ, मैं इसका ओरिजिनल मालिक हूँ, बट मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा, बिल्कुल साइलेंट। तो यहाँ पे चिंटी तो बोनाफाइड है, चिंटी तो गुड फेथ में खरीद रही है, चिंटी को तो ये लगेगा कि चिंटू ही ओनर है, तो इस केस में चिंटी को एक अच्छा टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है, वेयर द ओनर इज स्टॉप्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल, द ट्रांसफरी विल गेट अ गुड टाइटल एज अगेंस्ट द ट्रू ओनर। तो जो ट्रांसफर, जो बेसिकली जिसने गुड्स खरीदे हैं उसको एक अच्छा टाइटल मिल जाएगा। बट बिफोर अ गुड टाइटल बाय एस्टोपेल कैन बी मेड, इट मस्ट बी शोन दैट ट्रू ओनर हैड एक्टिवली सफर्ड और हेल्ड आउट द अदर पर्सन इन क्वेश्चन एज द ट्रू ओनर और एज अ पर्सन ऑथराइज टू सेल द गुड्स। यानी कि ओनर वही था, ओनर ने कुछ दिखाया ही नहीं ना, ओनर ने प्रेजेंट ही नहीं करा ना वहां पे कुछ भी। देखो एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ए ने बी को बोला, एक बायर को, इन द प्रेजेंस ऑफ सी, तीन पार्टी हो गई, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तीनों बैठे हुए। ए बी को बोल रहा है, बी बायर है, ए बी को बोल रहा है क्या, दैट ए इज द ओनर ऑफ द हॉर्स। बोल रहा है मेरे पास एक हॉर्स है, इसको घोड़े बेचने का बहुत शौक है, मेरे पास एक हॉर्स है, ठीक है। जबकि सी जो है वहीं पे था अवेलेबल, वहीं पे प्रेजेंट था, और ए बी को बोल रहा है मेरे पास एक घोड़ा है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ। बट सी रिमेंड साइलेंट दो द हॉर्स बिलोंग टू हिम। सी था एक्चुअल ओनर, असली ओनर ये था, एक्चुअल ओनर ये था, लेकिन ये बिल्कुल चुप है, इसने वहां पे कुछ नहीं बोला कि ठीक है कोई नहीं डील करने दो। बी बॉट द हॉर्स फ्रॉम ए, अब बी ने तो ए से खरीदा भाई। हेयर द बायर बी विल गेट अ वैलिड टाइटल ऑफ द हॉर्स इवन दो द सेलर हैड नो टाइटल टू द हॉर्स। बोल रहा है इसको तो अधिकार ही नहीं था बेचने का, लेकिन तब भी इसको गुड टाइटल मिलेगा क्योंकि सी सामने तो बैठा था यार, वो बोलता ना वहीं की वहीं, नहीं बोला तो लॉ बाद में बोलता, आपको अधिकार नहीं है भैया। ठीक है, इन दिस केस सी बाय हिज ओन कंडक्ट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग दैट एज अथॉरिटी टू सेल द हॉर्स। बाद में सी ये नहीं बोल सकता कि भैया ए को तो अधिकार ही नहीं था। हेयर सी साइलेंस हैज इंड्यूस्ड बी टू बिलीव दैट इज द ओनर। ठीक हो गया बच्चों, डन सर। सेल बाय एन अनपेड सेलर, सेल बाय एन अनपेड सेलर का क्या मतलब होता है? अनपेड सेलर को भी हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, चैप्टर नंबर 4 अनपेड सेलर पे ही है, उसके अधिकारों पे है। अनपेड सेलर का मतलब है कि जिसको अभी तक पैसा नहीं मिला है, ही इज अनपेड। मैंने कोई सामान बेचा चिंटू को, मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला, तो मैं उन गुड्स को आगे रीसेल कर सकता हूँ। सिंपल क्या है, वेयर एन अनपेड सेलर हु हैड एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लियन, लियन का मतलब माल मेरी ही कस्टडी में थे, मैं अनपेड हूँ, मेरे पास ही थे, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, या मैंने रास्ते में ही रुकवा दिए, मैंने माल बेचा चिंटू को और चिंटू मुझे पैसे नहीं दे रहा, गुड्स मेरे ही कब्जे में थे, मेरी ही पोजिशन में थे, तो मैं बोलूंगा ठीक है भले ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, जब तक पैसे नहीं दिए वैलिड ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं इसको, पहले पैसे दो ना यार, तो मैं हो गया अनपेड सेलर। तो बच्चों अनपेड सेलर जो है वो अपना राइट ऑफ लियन, यानी गुड्स उसके पास हैं, वो उसको उस राइट को यूज कर सकता है, या फिर अगर मैंने भेज दिए थे तो मैं रास्ते में ही रुकवा सकता हूँ, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब रास्ते में रुकवाना, मैं उनको रीसेल कर सकता हूँ। मैंने उठा के चिंटी को भेज दिया, मैंने कहा भाई क्या मतलब है, तू तो बेकार आदमी है,
ठीक है, द बायर एक्वायर अ गुड टाइटल टू द गुड्स एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर. तो चिंटू को कोई टाइटल नहीं मिलेगा, चिंटी को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी. ठीक है, इसके बाद आ रहा है सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट्स. ठीक है, जैसे सेल बाय एन ऑफिशियल रिसीवर, लिक्विडेटर, इंसॉल्वेंसी की बात कर रहा है बच्चों. अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए, जब भी कोई सेलर इंसॉल्वेंट होता है तो उस सिनेरियो में एक ऑफिशियल उसका असाइनी आता है जो सारा का सारा हिसाब किताब करता है ना. तो अब हिसाब किताब उसके पास है जबकि वो ऑनर नहीं है, बट तब भी अब उसके एसेट्स वगैरह तो वही सेल करेगा ना, उसी को असाइन किया गया है सब कुछ. तो अल्टीमेटली एक इंसॉल्वेंट इंसान का कोई लिक्विडेटर, कोई ऑफिशियल रिसीवर, वो ऑनर नहीं है लेकिन तब भी गुड्स वो सेल कर सकता है और एक अच्छा टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, द कंपनी विल गिव द परचेजर अ वैलिड टाइटल परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द फाइंडर ऑफ गुड्स. फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. भैया मैं किसी ट्रेन में जा रहा था और मुझे ट्रेन में कुछ गुड्स मिल गए, कुछ फ्रूट्स मिल गए, 10-15 किलो की पेटी मिल गई. अब मैं उनको यूज नहीं करना चाहता था, मैंने पूरा प्रयास कर लिया, आसपास ढूंढ लिया कोई ऑनर है या नहीं है, मैंने वहां पे अपना पर्ची भी लगा दी, मैंने वहां पे फोन नंबर भी लिख दिया, मैं वहां पे वेट भी करा, मैंने पूरा प्रयास करा कि मुझे इसका ओरिजिनल ऑनर मिल जाए, कोई नहीं मिला. तो मुझे सामान तो मिल गया और वो जल्दी से खराब भी हो जाएगा, मैं नहीं बेचूंगा, तो वहां पे मुझे राइट है कि मैं इसको बेच सकता हूँ. ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फाइंडर ऑफ गुड्स विल गेट अ वैलिड टाइटल अंडर सर्कमस्टांसेस सेक्शन 169 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ सर्कमस्टांसेस दिए हैं, वो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाऊंगा कि कब फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स उसको बेच सकता है. ठीक है, बेसिकली वही है कि आपने पूरा एफर्ट लगा लिया और आपको ओरिजिनल ऑनर नहीं मिला, और या फिर आपके जो गुड्स की वैल्यू है उसका 2/3 अमाउंट के आसपास का खर्चा भी हो गया है. ठीक है ना, तो भी आप उसको बेच सकते हो. ठीक है, अ सेल बाय अ पॉनी कैन कन्वे अ गुड टाइटल टू द बायर सेक्शन 176 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये भी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही कवर कर दूंगा. मेनली यही है कि अदर प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट्स में, कई जगह अदर एक्ट्स में भी कुछ चीजें दी गई हैं, तब भी नॉन ऑनर एक अच्छा टाइटल ट्रांसफर कर सकता है. लो बच्चों जी, अब हमारे पास आ जाता है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 31 से 44. छोटे सा 30 पेजेस तक का काम हो चुका है. डिलीवरी ऑफ गुड्स है, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ. इसको हम अगली क्लास में कवर करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं और इसको यहाँ के बाद हम लोग आगे अगली क्लास में कवर कर देते हैं. बस खत्म हो गया चैप्टर, ऑलमोस्ट कुछ नहीं है. डिलीवरी 5 मिनट का काम है. अगली क्लास में पहले ये कवर करूंगा और फिर यूनिट नंबर 4 हम लोग शुरू कर लेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून. टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय. ये यूनिट खत्म है समझो, डिलीवरी में कुछ खास नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो, पहले पढ़ाया है मैंने डिलीवरी आपको प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस लॉज में, वही सेम है. ठीक है, बस एक बार रीडिंग लगवा दूंगा आपको अगली क्लास में और वो समाप्त है. ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट. पेपर आने वाले हैं, थोड़ा ही टाइम बचा है, मेहनत बढ़ा दो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो. ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग.